नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव का गुस्सा बीजेपी पर फूट पड़ा है। दरअसल मामला है, जो मजदूर टनल में फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो क्रेडिट ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने भी उनको जवाब दे दिया है। देखिए क्या कुछ करें इन तमाम मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद यादव, वो तो हम आपको सुनवाएंगे ही। पर जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, जिनको नौकरी लगी है उसको नियुक्ति पत्र देते हैं, तो इस पर भी लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार को घेरा और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो हमारी नकल है वो कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, पहले आप वो सुने। नरेंद्र मोदी जी नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, नियुक्ति पत्र बांटने वाले लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सर इंडिया गठबंधन को लेकर सर कुछ बातें बड़े दिनों से नहीं हुई है सर, इंडिया गठबंधन को लेकर बातें। टनल से जो मजदूर निकले हैं उसका राजनीति हो रही है, मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है, मोदी सरकार को क्या कहेंगे? टनल से जो मजदूर निकले हैं उत्तराखंड निकला है, कोरोना भाई विदेश से और कहां कहां से लोग आया, अब इतना दिन के बाद इसमें मोदी का क्या है? पांच राज्य में नतीजे आने वाले, क्या होगा सर? तो अभी आप लालू प्रसाद यादव को सुने थे तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से बीजेपी को जमकर सुना है। उतना ही नहीं, जिस तरीके से पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नतीजा भी आएगा, उसको लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी बातों को रखे हैं। और देखिए लालू प्रसाद यादव ने तमाम सवालों के जवाब दिए, किस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बरस रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव इसके पहले भी क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना है, पांच राज्य के चुनाव होने थे, इसके बारे में भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी बातों को रखा था। पर आज पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं बीजेपी के उन नेताओं पे बरस गए हैं जो टर्नल में से मजदूर निकाले गए थे उनको लेकर क्रेडिट ले रहे थे। उन पे लालू प्रसाद यादव ने अपने शब्दों में किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो आपने सुना है। पर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो भी, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश तेजस्वी पर निशाना साधते हैं, नीतीश कुमार के लेकर निशाना साधते हैं, पर लालू प्रसाद यादव ने सबको एक साथ जवाब दिया है, बीजेपी के उन नेताओं को जवाब दिया है जो नीतीश कुमार पे बोलते थे, तेजस्वी यादव पर बोलते हैं। और देखिए बिहार में जिस तरीके से जो गठबंधन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग, जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं वो नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। पर नियुक्ति पत्र वितरण किए जाते थे, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा भी नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाचुक साथ, धन्यवाद।